अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 12 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में 8 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें तकरीबन 6 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन ये पास्ट पेपर में इंतहा की दफा आ चुके हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है, उसका आंसर क्या लिखना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है, गिव जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जनरल मैकेनिज्म है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ले ली। ये हमारे पास इसकी हेडिंग बनेगी। और अब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, बेस कैटलाइज का मतलब यह है कि अगर रिएक्शन को कोई बेस स्टार्ट करवाए तो बेस कैटलाइज होता है। जो रिएक्शन की स्पीड को क्योंकि बेस बढ़ा रहा है तो उसको बेस कैटलाइज रिएक्शन कहते हैं। अगर रिएक्शन की स्पीड को कोई एसिड बढ़ा रहा है तो उसको कहते हैं एसिड कैटलाइज रिएक्शन है। देखिए हमारे पास एसिड कैटलाइज रिएक्शन है। अब यहां पर चेक करो, ये हमारे पास है जी बेस कैटलाइज। आपने बेस पढ़े हुए, ऐसी कोई भी शय जिसमें OH नेगेटिव हो उसको बेस का नाम दे रहे होते हैं। उसको क्या नाम दे रहे होते हैं? बेस का नाम दे रहे होते हैं। अगर यहां पे बेस कैटलाइज रिएक्शन की बात करें तो यहां पे स्टेप नंबर 1 में हमारे पास OH नेगेटिव आयन जो है, यानी कि बेस है। जिस तरह बेस के तौर पर आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते, NaOH इस्तेमाल कर लो, KOH इस्तेमाल कर लो, मतलब आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल कर रहा है। और ये वाला OH आएगा बेस से। ये OH कहां से आएगा? ये वाला चीज आ रही होती है बेस के साथ। और आगे हमारे पास हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशू कहते हैं। जिस तरह मैं इसकी बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं, जिस तरह H के साथ आगे NH2 जुड़ा हो, H के साथ आगे OH जुड़ा हो, मतलब इस तरह ये आगे वाली चीजें मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन साथ में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा? यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट स्टेप में इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला जाएगा, जो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में H2O बन जाएगा और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनल कंपाउंड, ये वाला कार्बोनल कंपाउंड में याद रखिएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्यों पार्शियल नेगेटिव है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन जो है इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल हम यहां पर लिखेंगे। अब खुद सोचो, पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ जाके जुड़ना है, पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ जाके जुड़ना है। ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और हमारे पास जो चीज बनेगी, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये दो बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इस स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कहां पर अटैक, अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हुआ जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो वाटर बना ये दोबारा फिर यहां पे आएगा। ये जी हमारे पास, इसको मैं एग्जैक्ट यहां पे बना रहा हूं, NuCO के ऊपर चार्ज नेगेटिव है,
इसका मैं रिएक्शन यहां पे करवाने वाला हूं वाटर के साथ, दोबारा फिर ये जो वाटर यहां बना था एच ओ एच के साथ, वो आपको पता है यहां पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियल नेगेटिव होगा, ये वाली चीज इसके ऊपर अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा और हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जो चीज आके जुड़ेगी वो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन के साथ जो चीज आके जुड़ेगी वो क्या होगा हमारे पास हाइड्रोजन होगा, और हमारे पास जो चीज बनेगी न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, ये दो बॉन्ड आगे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आगे जुड़ जाएगा एच, और साथ हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो OH नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। देखो इसे हम कहीं बेस कर लें क्योंकि शुरू में बेस यूज हुआ, लास्ट में बेस वैसे का वैसा बन गया। अच्छा आप यहाँ पे इसकी वर्डिंग लिखेंगे, इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बन कंपाउंड अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्या जी? नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड अटैक ऑन किसके ऊपर अटैक करता है जी? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। ले जी, ये था जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म। इतनी बातें आप लिख दोगे आपको 2 नंबर देगा, बेसिकली वो रिएक्शन ही पूछना चाहता है, रिएक्शन अगर सही लिखा है तो आपका टोटल का टोटल 2 नंबर आपको दे देगा, वर्डिंग बीच में अपनी मर्जी से कुछ चीज़ हो रही है उसको देख के आप वो लिख दो वहाँ पे, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास जनरल मैकेनिज्म है, सिर्फ यहाँ पे इस बेस की जगह पे आ जाएगा एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या हमारे पास ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड का, उसका जनरल मैकेनिज्म लिखने लगे। याद रखिए कि बेस कैटलाइज है और ये एसिड कैटलाइज है, इसका फर्क रखिएगा, मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम मैकेनिज्म लिखेंगे, बाद में थोड़ी बहुत वर्डिंग यहां पे लिख लेंगे, सही है। तो हमारे पास अगर एसिड कैटलाइज कर रहा है तो एसिड का मतलब क्या है कि उसमें एच प्लस आइन होगा, क्या होगा? एच प्लस आइन। ये एच प्लस आइन H2SO4 से आ सकता है, एच प्लस आइन HCl से आ सकता है, एच प्लस आइन HNO3 से आ सकता है, कोई भी ऐसी शायद या कोई भी ऐसा एसिड जो एच प्लस आइन दे सकता है उसको इस रिएक्शन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्टार्ट सिर्फ एच प्लस आइन से करेंगे, कहां से है ये हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर देखा जाए तो हमारे पास कार्बन कंपाउंड ये वाला, यहां पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव। अब खुद सोचो कि अगर एसिड रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा तो ये वाला एच प्लस आइन कहां पे जाकर जुड़ेगा? ये वाला एच प्लस आइन विल बी अटैच विद पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ये इसके साथ जाकर जुड़ेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट अगला बनेगा वो कुछ ये वाला होगा। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे बॉन्ड बन गए 3, एक्चुअल में बॉन्ड 2 बनते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, सही। यहाँ पर रेजोनेंस होना शुरू हो जाती है, सही है। रेजोनेंस हो गया, हमारे पास ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन ऑक्सीजन ये, सही है। और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, ये रेजोनेंस हो रही है, मतलब ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हुआ तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप, चलो जी इसके थोड़े से वर्डिंग लिख लेते हैं। इन फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड का पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम है किसके ऊपर अटैक करेगा? अटैक ऑन एच प्लस, ये एच प्लस के ऊपर अटैक करता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि आप इसी चीज को दोबारा लोगे, ये क्या है, ये सेकंड स्टेप है। अब इसे हेडिंग देकर लिख लो, सेकंड स्टेप नंबर 2। बेशक आप यहां पे क्या कर सकते हो, हेडिंग देकर लिख सकते हो। अब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा जिसको पॉजिटिव चार्ज यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूक्लियोफाइल जाके इसके साथ जुड़ेगा,
न्यूक्लियोफाइल किसी भी जगह से आ सकता है, मतलब वो OH नेगेटिव हो सकता है, वो NH2 माइनस हो सकता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो आके अब कहां पे जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, ठीक है। वो कार्बन के साथ जुड़ने के बाद हमारे पास जो चीज बनेगी न्यूक्लियोफाइल, यहां पे कार्बन के साथ जुड़ गया, ये लीजिए कार्बन से जोड़ दिया, ये वाले जो दो बांड है मैंने इस तरह बना दिया, सही है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है और इसके साथ H लगा हुआ है, इसमें क्या हुआ जी, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पॉजिटिव कार्बन एटम ऑफ कार्बोनल कंपाउंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पॉजिटिव कार्बन एटम ऑफ पॉजिटिव कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। लो जी, ये हमारे पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आ गया। अगर अच्छा काम करना चाहते हो ना, आप यहां पे हेडिंग देख लिखो, ये है जी स्टेप नंबर वन, हेडिंग आ गई, ये है जी हमारे पास स्टेप नंबर टू। सेम काम यहां पे कर दो, स्टेप वन, यहां पे स्टेप टू, यहां पे स्टेप थ्री, ये तीन स्टेप है हमारे पास यहां पे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर टू। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। आपने एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है लैक्टिक एसिड में, लेट्स सी, इसी के नीचे कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी के नीचे कर लेते हैं। यह है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एसिड एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्या आप एसिटाल्डिहाइड को किस तरह लैक्टिक एसिड में बदलोगे वो बताएं। आपने सबसे पहले काम करना जी एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला तो आपको आता होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास सी एच थ्री और यहां पे H लगा होगा, ठीक है। ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, इसका रिएक्शन आपने करवाना है HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, किसके साथ, HCN के साथ रिएक्शन करवाना है। अब HCN में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा, और ये HCN हम पैदा करवा रहे होते हैं दो चीजों के रिएक्शन से, NaCN और HCl के रिएक्शन से इसको पैदा करवाते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, अब यहां पे चेक कर लो, हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन जाके किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, और दूसरे जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास बन जाएगा एच सी सी एच थ्री। यहां पे जब ये वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ लग गया, हमने ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया, और जो सी एन होगा ये नीचे आके जुड़ेगा यहां पे, ठीक है, सी एन नीचे आके जुड़ गया। अब इसमें जो सेकंड स्टेप में होता है कि हम ये वाली चीज दोबारा फिर लेते हैं यहां पे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो हम इसको इस तरह कुछ लिख सकते हैं, सी एच थ्री सी, सी एच थ्री सी, ऊपर वाली साइड पे OH लगा हुआ है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और आगे लगा हुआ है सी एन, मतलब ये सी एच थ्री सी के साथ H को मैंने साथ करके लिख दिया, OH ये पड़ा हुआ है सी एन आगे करके लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवाऊं, क्या करवाऊं, इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवाऊं एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये वाला जो ग्रुप है सी एन ग्रुप, जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, या आगे जाके चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक स्टिकर मेथड आता है, वहां पे भी ये वाली चीज इस्तेमाल होती है, सी एन विल बी कन्वर्टेड इनटू सी ओ ओ एच, मतलब जो सी एन ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसमें फर्क आएगा, बाकी कोई जगह पर फर्क नहीं आएगा, बाकी ये सारे का सारा सेम रहेगा, ये बनेगा सी एच थ्री, उसके बाद सी एच, सही है, OH भी ऊपर वाला सेम रहेगा, कहां फर्क आया, सी एन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सी ओ ओ एच में, और जो साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास होता है अमोनियम NH4 NH4HSO4, ये अगर लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो कोई भी कोई मसला नहीं है। ये वाली जो चीज बनी है, इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये वाली जो चीज है, ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाया, फिर उसके हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो हमारे पास लैक्टिक एसिड बन गया। अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके बाद जो पहला कार्बन एटम आता है इसको अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। इसका जो आईयूपीएसी नेम है, अगर कॉमन नेम में एक और नाम देखा जाए तो कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एक दो तीन, तो कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड, या फिर आप ये कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। अब आपने यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की देख लो, 5 को देखो, गिव रिएक्शन टू प्रोड्यूस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड, सही है। इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर सेम ही रहेगा, यहां से लेके यहां तक लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर देखो, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड है, उसे हमने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाना है, वही अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एक्चुअली लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फार्मूला बजाते खुद शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। मतलब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना CH3CHOHCOOH, ये जो खुद बजाते खुद पास्ट पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, और सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन द फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फार्मूला लिखे, किसका फार्मूला लिखे, लैक्टिक एसिड का फार्मूला लिखे। चलिए जी, हमारे पास हो गया। अब इसके बाद गिव मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN इन एसीटोन, आपने HCN को एसीटोन में जब ऐड करना है तो उसका मैकेनिज्म लिखना है, क्या लिखना है उसका मैकेनिज्म, और ये याद रखिएगा HCN को जब हम कहां पे ऐड करेंगे, लैक्टिक सॉरी एसिटाल्डिहाइड सॉरी एसीटोन, कहां पे गया क्वेश्चन, ये ब्रश, गिव मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN इन एसीटोन, सही है। हमने हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना है, किसमें, हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे और हमारे पास उसका मैकेनिज्म क्या बनेगा, उसका मैकेनिज्म क्या बनेगा, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HCN इन कार्बोनाइल सॉरी इन एसीटोन, इन एसीटोन, लेट्स स्टार्ट। देखो जो HCN होता है ना, जरा आप यहाँ पर देखते जाइएगा हम करते क्या, ये बेस कैटलाइज रिएक्शन होगा, मतलब ये बेस की मौजूदगी में हो रहा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास HCN को तैयार करवा रहे होते हैं NaCN से, बेसिकली क्या होता है कि NaCN रिएक्ट विद HCl और ये हमारे पास बन जाता है HCN और साथ में NaCl, बेसिकली यहाँ से हम HCN उठा रहे होते हैं NaCN से, HCN हमारे पास बन रहा था। यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ मैंने NaCN HCN लिखा, ये HCN अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसी को हम उसी वक्त बनाते हैं रिएक्शन के दौरान ही, और उसी वक्त ही इस्तेमाल कर लेते हैं, रिएक्शन के दौरान ही बनता है HCN और रिएक्शन के दरमियान में ही यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो NaCN होगा ये आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होकर हमारे पास बना देगा Na प्लस साइन और CN माइनस साइन, ठीक है। ये जो CN माइनस साइन है ये हमारे पास एसीटोन, ये वाली चीज है एसीटोन, क्या है जी CH3 यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे भी हम एसीटोन के साथ, याद रखिएगा ये हम मैकेनिज्म करवाएंगे एसीटोन वाला, ठीक है। अब CN माइनस जो होगा ये बेसिकली इस तरह का मैकेनिज्म बनेगा, ये वाला चेक करो, पहले एक न्यूक्लियोफाइल पैदा हुआ है जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, सही है। फिर इसी अब सब लोग NU की जगह मैंने CN लिख दिया, अब CN कहाँ जाकर अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा, ये यहाँ पर जाकर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CCH3, ये वाला यहाँ पे जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये वाला जो CN होगा, इस कार्बन के साथ जाके CN जुड़ जाएगा,
ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने यही वाली चीज दोबारा फिर लेनी है। ये वाली चीज क्या जी हमारे पास CH3 O के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे CN, ठीक है। अब आप इसका रिएक्शन HCN के साथ करवाओगे, HCN के साथ। अब पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, ये वाली चीज यहाँ पे अटैक करेगी, ये वाला बॉन्ड दोबारा फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा CH3 CCH3। अब ये वाला H जाके इसके साथ जुड़ेगा, OH बन जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रखा है CN, सही है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और ये हमारे पास है मैकेनिज्म किसका। अच्छा याद रखिएगा, पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, सही है। वो कहेगा एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ HCN अलोंग विद मैकेनिज्म। तो उसमें ना आप पता क्या कीजिएगा, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन लिख दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक एक रिएक्शन, उसमें ये मैकेनिज्म लिख दीजिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और पास्ट पेपर में काफी दफा आया भी हुआ है कि एक्सप्लेन एडिशन ऑफ HCN इन कार्बोनाइल कंपाउंड अलोंग विद मैकेनिज्म, सही है। आपने HCN को ऐड करना है कार्बोनल कंपाउंड में और उसका मैकेनिज्म भी लिखना है आपने, क्या लिखना है मैकेनिज्म भी लिखना है, और ये पास्ट पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मतलब ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन मिला होगा तो आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मतलब ये भी याद रखिएगा किन किन शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाने से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा अब ये बात होगी, अब इसके बाद आओगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ एसिटल्स आर फॉर्म्ड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, हाउ एसिटल्स आर फॉर्म्ड। एसिटल्स किस तरह बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स। जब हम एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करवाते हैं तो हमारे पास एसिटल बन जाता है, किसका रिएक्शन एसिटल्डिहाइड क्या है जी हमारे पास, ये वाला कंपाउंड है CH3। चलो जी हम हमेशा नीचे लिखते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बता दूं ये जी हमारे पास एसिटल्डिहाइड। अगर हम इसका रिएक्शन C2H5OH इथाइल अल्कोहल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम इसको, इथाइल अल्कोहल का नाम दे रहे होते हैं, सही। और ये याद रखिए ये वाला रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में होता है, ये वाला जो रिएक्शन है हमारे पास किसकी मौजूदगी में होगा, हमारे पास ड्राई HCl एसिड की मौजूदगी में होगा। अच्छा मैं C2H5 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, C2H5OH है, C2H5OH है, ये वाला जब आपसे मिला तो क्या बन जाएगा वाटर, ठीक है। मतलब पहले नंबर पर इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। बाकी मैं इसको अभी इसी तरह लिखता हूँ, H है, C है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड O, मैं यहाँ पर अभी सिंगल बॉन्ड कर रहा हूँ। अब ये वाला जो C2H5 है, ये वाला ये जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पे C2H5, और ये वाला OC2H5 जो है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा OC2H5, और ये जो चीज़ बनी है हमारे पास एसिटल कहलाता है, सही है। क्या हमारे पास एसिटल, अगर इसकी थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी हो तो एसिटल किस तरह बनता है, एसिटल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड विद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ड्राई HCl, ले जी ये हमारे पास इसकी वर्डिंग आ रही है। मतलब जो चीज़ सामने लिखी हुई है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, एसिड एल्डिहाइड के एसिटाल इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, और ये हमारे पास नीचे इसका रिएक्शन आ जाएगा, ठीक होगा। तो ये थे जी हमारे पास जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में काफ़ी दफा आ चुके हैं। अच्छा इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मसलन वो कहेगा कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू एसिटल, जो भी पूछा जा सकता है, क्या कहेगा कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू एसिटल, आप एसिटाल्डिहाइड को एसिटल में कन्वर्ट कर दो, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल है।
हाउ इज इट एल आर फॉर्म, ये भी पॉसिबल है, सही है। तो ये जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ बता दिए हैं। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।